सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 15 मई 2022 को सूर्य मेष से निकल करके वृषभ में प्रवेश करेंगे। किस तरीके से अपने प्रभाव देंगे आप सभी लोगों को, उसी के ऊपर बात करूंगी मैं इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या आपको परिणाम मिल सकते हैं, ये बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, सूर्य अभी तक मेष में थे और उनकी उच्च की स्थिति थी, उनके मित्र का घर था। अब ये शुक्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं जो कि वृषभ राशि है, अर्थ तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है, अर्थ त्रिकोण है। और सूर्य जो ग्रह है ये आत्मा का कारक ग्रह है। एक तरह से ये प्रशासन को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर का जो आत्मविश्वास है, उसके जो ऊर्जा है, इन सारी चीजों को सूर्य लेकर के चलता है। और वृषभ जो राशि है ये धन की राशि है, कुटुंब की राशि है, वाणी का भाव है, खान पान का भाव है। तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो ये 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, जिसमें इनका खुद का नक्षत्र रहेगा कृतिका, जिसके 3 चरण रहेंगे और कृतिका के बाद रोहिणी रहेगा और मेषया। तो सूर्य वृषभ में अपने खुद के नक्षत्र से, चंद्रमा के नक्षत्र से और मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो नक्षत्रों की दृष्टि से इनको सारे ही नक्षत्र इनके मित्रों के मिलेंगे। तो इस तरीके से वृषभ में भी जो सूर्य का गोचर रहेगा ये अच्छा कहा जाएगा। अच्छा इसलिए कहा जाएगा कि जो राशि लॉर्ड शुक्र है उससे तो सूर्य का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन जिन नक्षत्रों से जाएंगे उन नक्षत्र स्वामियों से सूर्य की बहुत मित्रता है। तो परिणाम देने में जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी। इस तरीके से सभी लोग, किसी भी लग्न और राशि के लोग हों, सूर्य आप लोगों के लिए आपके भाव के अनुसार परिणाम देंगे। लेकिन जो एक अप्रत्यक्ष रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये रहेगा कि चूंकि नैसर्गिक कालपुरुष की पत्रिका में सूर्य 5वें भाव के मालिक होते हैं, सिंह राशि के, जो कि क्रिएशन की है, प्रेम की है, बच्चों की है, हर एक तरीके का जो निर्माण होता है उसकी राशि होती है, उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये घर में आ रहे हैं शुक्र के वृषभ राशि में। तो ये कहीं ना कहीं जो पैसों से संबंधित चीजें होती हैं, क्योंकि जिस भाव में आ रहे हैं वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो ये एक तरह से लाभ भी करवाएंगे। तो जो ये लाभ करवाएंगे ये बहुत से लोगों को शेयर ट्रेडिंग इन चीजों को माध्यम बनाएंगे, बहुत से लोगों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का माध्यम लेकर के बनाएंगे, बहुत से लोगों के लिए पैतृक संपत्ति, ससुराल या व्यक्ति जो स्वयं है, इन सारी चीजों को माध्यम बना करके ये लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि ये नक्षत्रों से जुड़ करके भी परिणाम देंगे, तो आप लोगों के चार्ट में जहां पर सूर्य बैठे हुए होंगे, जहां पर चंद्रमा बैठे होंगे, जहां पर मंगल बैठे होंगे, उन हाउसेस से और साथ में इन ग्रहों की जो राशियां हैं उन सभी से मिला जुला आपको संयुक्त परिणाम देखने को मिलेगा। और ये सारे रिजल्ट आपको तब और अधिक देखने को मिलेंगे जब आपके महादशांतर में कहीं पर सूर्य ग्रह आ रहा होगा, तब आपको रिजल्ट और भी मजबूती से देखने को मिलेंगे। और ये परिणाम आपके लिए तब अपना प्रभाव अधिक दिखाएंगे जब आपके नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी, तब आपको परिणाम और भी ज्यादा अच्छे से खुल करके मिलेंगे। क्योंकि ट्रांजिट में सूर्य वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो इसका जो राशि लॉर्ड शुक्र है वो आपके चार्ट में अगर अच्छे हाउसेस में बैठा होगा, केंद्र में, त्रिकोण में, मजबूत स्थिति में बैठा होगा, तब आपको सूर्य और भी अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। इस तरीके से आप लोग समझिएगा सूर्य के वृषभ राशि में गोचर को। और आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके परिणाम को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में परिणाम को। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो मैं वहां पर आप लोगों को आपके राशियों के टाइम उस टाइम को मेंशन कर दे रही हूँ, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके सिर्फ अपनी राशि का सुन सकते हैं। लेकिन जो शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको जरूर सुना करिए, उससे आपको ट्रांजिट में जो ग्रह आया है वो किस तरह से अपना
रिजल्ट देगा वो समझने में आसानी होगी। तो जब आप उसको समझ लेंगे तो आप अपने राशि के परिणाम को ही बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये जरूर है कि सूर्य वृषभ राशि में आकर के आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। थोड़ा सा खान पान का और बाड़ी का ध्यान रखना रहेगा, भाव के अनुसार इनका जो परिणाम है वो चेंज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। सूर्य आपके पांचवें भाव के मालिक है, आपके धन भाव में आ रहे हैं। ये जो राशि परिवर्तन है आप लोगों को आर्थिक लाभ करवा सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मदर बच्चों के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित करवाएंगे सूर्य। यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ दे रहे हैं। मेष वालों के लिए पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी इस एक महीने में। इसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। सावधानी जो आपको रखनी रहेगी सिर्फ अपनी आईज का ध्यान रखिएगा, राइट आईज का। आंखों में कुछ तकलीफ होगी तो उसका ध्यान रखिएगा, टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। लापरवाही मत करिएगा, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वाणी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, वाणी भाव में आ रहा है, कुटुंब भाव में आ रहा है। तो आप अपनी भाषा शैली को ऐसा रखिएगा कि परिवार के अंदर किसी तरह का आपके बोलचाल की वजह से या आपके ईगो की आपके बोलचाल में जो एक अहंकार एक ईगो होता है, क्योंकि सूर्य में एक तरह का ईगो होता है, एक तरह का बड़प्पन होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये सारी चीजें वाणी से भी निकलती हैं। तो उसकी वजह से कोई वाद विवाद नहीं होने पाए इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि मेष वालों को सूर्य आर्थिक लाभ देंगे, यहाँ पर बच्चों से लाभ देंगे, इस तरीके से आप समझिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए लग्न स्थान में सूर्य आ रहे हैं, आपके लिए फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, सुख के मालिक होकर के लग्न स्थान में आ रहे हैं। आपके लिए टाइम पीरियड काफी आत्मविश्वास का रहेगा, सुख सुविधाओं की आपके लिए वृद्धि होगी। इस तरीके से आप लोगों की दृष्टि में आ जाएंगे, आप इस तरीके से समझिए। काफी आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे क्योंकि लग्न स्थान पे सूर्य आ रहे हैं, तो ये आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान इन सारे क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी, नए फेम यश मिलने के योग बनेंगे आप लोगों के लिए। कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ दिलवाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे बड़े कुछ व्यापारी हों, कुछ दूर स्थान से जुड़ करके भी जिनका बिजनेस होगा उन्हें भी लाभ देने का काम करेंगे। सावधानियां जो आप लोगों को रखनी है सिर्फ एक रखिएगा कि अपने पार्टनर के साथ में और लाइफ पार्टनर के साथ में किसी तरह का ईगो अहंकार एक तरह का जो डिस्टेंस वाली जो चीजें होती हैं वो सब चीजें नहीं पैदा होने पाए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि लगन में सूर्य आएंगे और आपके साथ में भाव पे दृष्टि डालेंगे तो संबंधों में ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी जाएगी तो सूर्य का काम ईगो का है, उनके अंदर बहुत ईगो होता है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है और सूर्य अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला ग्रह है, इस तरीके से समझिएगा। तो वृषभ वालों को पार्टनर के साथ में थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत रहेगी। बाकी आपके लिए नेम फेम प्रसिद्धि ये सारी चीजें लेकर के आएंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। सूर्य आपके 12वें भाव में जाए हैं। देखिए 12वें से जो सूर्य का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है, आध्यात्मिक आत्मदृष्टि से जो उन्नति होती है उसके लिए काफी अच्छा होता है और आपके लिए ये आपके तीसरे भाव के मालिक है। देखिए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके होगा, दूर स्थान से जुड़ करके होगा, उनको यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा लाभ करवाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं और आपके फॉरेन वाले भाव से व्यय भाव से संबंध बना रहे हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी बाहर से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है तो आपके लिए यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप अपनी लेफ्ट आईज का ध्यान रखिएगा, आंखों में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं, शत्रुओं से संबंधित चीजों में आपको राहत देंगे सूर्य यहाँ पर आकर के। इस समय का जो उपयोग रहेगा आप लोग थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करिएगा, क्योंकि मीन इस तरीके से जो बैकग्राउंड में इनको सपोर्ट मिलेगा वो आपके मीन राशि का मिलता है। तो अगर आप इस समय को थोड़ा सा समझदारी के साथ निकालते हैं तो सूर्य यहाँ पर आर्थिक लाभ भी दिलवाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि में आ रहे हैं, भले ही ये 12वें भाव में आ रहे हैं। तो जिन लोगों का व्यापार बिजनेस विदेशों से जुड़ करके होगा, जो लोग एजेंसीज में कार्य करते हैं, जो लोग किसी तरह के फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको भी सूर्य यहाँ पर लाभ करवाएंगे, इस तरीके से आप लोग समझिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वें से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, आपके धन भाव के मालिक हैं 11वें में आ रहे हैं। आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे सूर्य। कहीं से आपको अचानक पैसों की प्राप्ति होगी, जो आपका अधिकारी वर्ग है, जो समाज के बड़े लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई बहन वगैरह है, उन सभी को माध्यम बना करके सूर्य आपको आर्थिक लाभ दे सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़े हुए आप हो या तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो अगर आप हायर अथॉरिटी पर जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं,
तरीके से आपके लिए नेम फेम प्रसिद्धि आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों से ट्रेडिंग वगैरह को माध्यम बना करके आपको पैसे दिलवा सकते हैं सूर्य, यहाँ पर जिन लोगों को शेयर का काम है, ट्रेडिंग का काम है, वहां पर आपके लिए लाभ देंगे। क्रिएशन आपको बढ़ा देंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ भी वैचारिक मतभेद वगैरह नहीं होने पाए। बाकी कर्क वालों के लिए सूर्य काफी लाभ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट होंगी थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जाएगी तो हेल्थ रिलेटेड चीजों को छिटपुट नुकसान पहुंचा सकती है। आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा कर्क वालों को अगर आपको आपकी डीवी सपोर्ट करती है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए सिंह वालों के लिए गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस में सूर्य आएंगे। 10वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अधिक नेम फेम प्रसिद्धि देता है। ये टाइम पीरियड आपको प्रमोशन दिलवा सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको काफी सक्सेस दिलवा सकता है। लग्नेश होकर के सूर्य आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, जहां पर ये दुबले होते हैं, तो नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सारी चीजें मिलने के योग बनेंगे सिंह राशि वालों के लिए। काफी अच्छा गोचर है। फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं वहां पर भी ये कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि करवाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट का टाइम हो सकता है जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड साल में एक बार आता है। तो अगर कुछ आपका प्रमोशन से जुड़ा हुआ कुछ काम हो, जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उन सारे क्षेत्रों में आपको एक उपलब्धि वाला टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। फैमिली फ्रेंड पे थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जाएगी तो तेज ग्रह है, तो थोड़ा सा अपनी मदर के साथ में परिवार के अंदर कोई कलह क्लेश नहीं होने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी सिंह वालों के लिए जो गोचर है काफी एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे सूर्य यहाँ पर। आपके लिए लग्नेश है योग कारक ग्रह और 10th हाउस में आ रहे हैं, दुबले होकर के आ रहे हैं। जिन लोगों का कि महादशाएं वगैरह भी सपोर्टिंग चल रही होंगी, कुछ रिजल्ट आने होंगे, ये टाइम पीरियड सिंह लग्न राशि वालों के लिए बहुत से बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ सफलताएं दे सकता है। जो लोग कोई तैयारी कर रहे थे, हो सकता है IAS IPS या जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहां पर कुछ कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट मिलना, कहीं पर भी अगर आप हैं, आपको एक प्रमोशन वाला जो टाइम पीरियड होता है, मनचाही जो चीजें होती हैं करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, वो सारी चीजें अचीव होने का टाइम पीरियड आपके लिए ये सूर्य दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। देखिए 9वां जो सूर्य का गोचर होता है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि उनके मित्र के घर से होता है, पिता के कारक है सूर्य और 9वां भाव धर्म का भाव है। विदेश से इनका कनेक्शन जुड़ रहा है, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां सूर्य निर्मित कराएंगे। भाग्य पिता इन सारे क्षेत्रों से लाभ कराएंगे। प्रमोशन जो आपका पुरुषार्थ वाला एरिया है, जो आपका पराक्रम वाला है, भाई बहन है, जो आपकी मेहनत है, वाणी है, कम्युनिकेशन है, इन सारे क्षेत्रों में आपको सूर्य एक मजबूती देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ जर्नीज देखने को मिलेंगी कन्या वालों के लिए। जो सबसे नोटिस करने वाली चीज है वो ये है कि ये एक महीने का गोचर आप लोगों को कुछ ट्रेवल्स दे सकता है, यात्राएं दे सकता है, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ करके हो, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़ करके जर्नीज हो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग फॉरेन से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, या किसी तरह का जो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजें होती हैं, ओवरऑल ये है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जर्नीज का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, इस तरीके से समझिएगा। सावधानी जो रखनी है आपको सिर्फ एक रखनी है कि पिता की थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा, संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव के मालिक होकर के आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, तो पिता की सेहत, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आप लोगों के लिए 11वें भाव के मालिक हैं, आपके 8वें भाव से गोचर हो रहा है। देखिए सूर्य से 8वें भाव का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। ये टाइम पीरियड जो है आप अपनी आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान लगाइएगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और यहाँ पर बैकग्राउंड में वृश्चिक राशि होती है। तो सूर्य का जो एक महीने का गोचर है, आपके इनकम भाव के मालिक होकर, हर एक तरह की इच्छा पूर्ति के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं, हालांकि अपने से ये दशम आ रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आपको आर्थिक लाभ भी करवाएंगे, ससुराल से लाभ करवा सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं। अचानक से ये आपको आर्थिक लाभ देंगे, कुछ संपत्ति वगैरह मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप अपनी एक्टिविटीज का, गतिविधियों का ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत अनर्गल चीजें मत करिएगा,
कोई भी गलत एक्टिविटीज में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए आपके 11वें भाव के मालिक हैं। तो 11वां जो आपका हाउस होता है वो आपके लिए एक तरीके से लोगों से जो जुड़कर की चीजें होती हैं, चाहे वो आपका अधिकारी वर्ग हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, तो उन लोगों से जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वहां पर थोड़ा सा फेयर होकर के रहिएगा, ईमानदारी के साथ रहिएगा, क्योंकि अगर वहां पर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये सूर्य आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हैं, आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा अपने आईज का ध्यान रखिएगा, आंखों में दिक्कतें हो सकती हैं आपको, स्पेशली राइट आईज में कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। वाणी का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो सूर्य आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक ठाक सा रिजल्ट दे देंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 8वें भाव में जब सूर्य आते हैं तो एक तरीके से ये समय होता है आपको स्वयं को जानने का, ये सारी चीजें आपको समझनी रहेंगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए वृश्चिक वालों के लिए सूर्य आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, आपके 10वें भाव के मालिक है, व्यापार बिजनेस के मालिक होकर के 7वें भाव में आ रहे हैं। ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए व्यवसाय, बिजनेस पार्टनर, इन सारे क्षेत्रों से तो आपको लाभ करवाएगा, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आपका बिजनेस है, उन सारी चीजों में आपको लाभ, एक प्रोग्रेस वाला टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए व्यवसायिक गतिविधियों में उन्नति का टाइम रहेगा, प्रोग्रेस का टाइम रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए जो सूर्य होता है आपके 10वें भाव का मालिक होता है, तो 10वें का मालिक होकर के अपने से दशम में आ रहा है, काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लगन से संबंध बनाएंगे तो आपको नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की सारी चीजें सूर्य दिलवाएंगे। ऐसे ही गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ देगा, इसके एक पक्ष को आप समझ लीजिए। सावधानी जो रखनी है वो सिर्फ एक रखनी रहेगी कि 7वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1 महीने आप थोड़ा बचा करके चलिएगा, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये जो ईगो वाली चीजें होती हैं, डिस्टेंस पैदा करने वाली चीजें होती हैं, उनसे आप अपने आप को जरूर बचाइएगा, क्योंकि सूर्य 7वें से आते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड में तुला का इनको सपोर्ट मिलता है, तो कई बार यहाँ पर ये अलगाव करने का भी काम करते हैं। तो जिन लोगों की महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह कहीं खराब ग्रहों की चल रही होंगी या कारक ग्रहों की, तो ये टाइम पीरियड सेपरेशन जैसी स्थितियां भी दे सकता है, लेकिन वृश्चिक वालों के लिए ये आर्थिक लाभ अवश्य करवाएगा, कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सभी क्षेत्रों का विस्तार कराएगा, संबंधों का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके भाग्य भाव का मालिक है और आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, सूर्य का गोचर 6वें भाव से काफी अच्छा होता है। ये टाइम पीरियड आपके लिए शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा, किसी भी तरह का कोर्ट केस, लिटिगेशन, वाद विवाद, झगड़े कुछ भी रहे होंगे वहां पर सूर्य आपको सफलताएं दिलवाएंगे। विदेशों से जुड़ करके जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है उनके लिए काफी लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य काफी लाभ देंगे। एक तरीके से आपके लिए प्रमोशन, सक्सेस, ये सारी चीजें आपको सूर्य यहाँ पर आकर के दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड कुछ लोगों को यात्राएं भी करवा सकता है, विदेशों की यात्राएं करा सकता है, दूरस्थान की यात्राएं करा सकता है। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बिजनेस फॉरेन से जुड़ करके है, दूरस्थान से जुड़ करके है, सूर्य यहाँ पर उस चीज में भी लाभ देंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं जो लोग, सूर्य इस तरह की भी एक्टिविटीज आपको आने वाले 1 महीने में देंगे। ध्यान रखने वाली देखिए जो चीजें रहेंगी, थोड़ा सा आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, तो पिता को कुछ दिक्कतें नहीं होने पाए, उनके हेल्थ रिलेटेड चीजों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने पाए, उनकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं आने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि यही सूर्य आपके फादर की लाइफ में भी सर्विस रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीजें दे सकते हैं, चाहे प्रमोशन हो, चाहे कोई उनके सर्विस में, उनके करियर में कोई ग्रोथ हो, इस तरह का फेज भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक हैं, आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। देखिए 8वें के मालिक होकर के 5वें भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है वहां की एक्टिविटीज को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। जो टाइम पीरियड रहेगा आपको कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बाकी दूसरे प्लेनेट भी आप देखिएगा कि क्या उनकी स्थिति बन रही है। ये टाइम पीरियड आप अपने बच्चों से संबंधित चीजों के लिए भी थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस पढ़ाई की ओर रखिएगा, अपना माइंड आपको इधर उधर नहीं भटकने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा।
अष्टम के लॉर्ड होकर के पंचम में आ रहे हैं, तो थोड़ा ये डिस्टरबेंस करने का काम करेंगे, आपके मन को भटकाने का काम, या जो आपका फोकस है, आपका जो एक इंटेंशन है, डायरेक्शन है लाइफ का, पढ़ने का, या जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव देने का प्रयास करेंगे। तो मकर वालों को इन चीजों का ध्यान रखना रहेगा, लेकिन यही सूर्य आपके लिए कुछ चीजों के लिए अच्छा करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, रचनात्मकता आपकी काफी बढ़ जाएगी। तो जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, डेप्थ विषयों से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो अपने फोकस को मेंटेन करते हैं, तो यही सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करेंगे, क्योंकि सूर्य बैकग्राउंड में अपने खुद के स्थान पे आ रहे हैं, काल पुरुष में उनकी यहाँ पर सिंह की राशि होती है, तो ये आपके लिए आपके बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करेंगे, जो आपकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे सूर्य यहाँ पर। शेयर ट्रेडिंग करने वाले लोगों को थोड़ी सी सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता रहेगी, वहां पर अचानक से लॉसेस के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि ये अष्टमेश की ऊर्जा को लेकर के सडन इवेंट्स भी दे सकते हैं। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जो स्वयं हैं, आपको भी ये आर्थिक लाभ करवा सकते हैं। अगर आपका कार्य व्यवसाय किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह के गुण विषयों से जुड़ा हुआ है, किसी तरह के अकल से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र साधना इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो ये सूर्य आपको आर्थिक लाभ भी करवाएगा, आपको समाज में प्रतिष्ठित भी करवा सकता है। कि भले ही आपके अष्टमेश है तो क्या हुआ, लेकिन आपके 11वें भाव से दृष्टि संबंध बना रहे, तो 11वां भाव भी राज्य का भाव होता है, तो एक तरीके से ये अच्छे रिजल्ट भी देंगे। मकर वालों को सिर्फ एक चीज की सावधानी बरतनी है कि अपनी एक्टिविटीज को, अपनी अपने क्रियाकलापों को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, कोई भी गलत चीजों में मत इन्वॉल्व करिएगा अपने आप को। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव के मालिक में चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव से सूर्य का गोचर विशेष योग कारक नहीं होता है, और आपके ये सप्तमेश हैं। देखिए, व्यापारिक दृष्टि से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सूर्य आपको लाभ करवाएंगे। जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य व्यवसाय है, बिजनेस है, जिन लोगों का व्यवसाय ही प्रॉपर्टी का है, इन्वेस्टमेंट का है, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ करवा देंगे। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे, और आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है, जो आपका व्यवसाय वाला एरिया है, वहां पर भी सूर्य आपको नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीजें दिलवाएंगे। क्योंकि सप्तमेश होकर के सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे होंगे और आपके 10वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो कुछ लोगों को ये टाइम पीरियड प्रमोशन भी दे सकता है, कार्य क्षेत्र में विस्तार करवा सकता है, आपको एक तरीके से नेम, फेम, प्रसिद्धि दिलवाएगा। लेकिन चौथे भाव से चूंकि सूर्य यहाँ पर मजबूत स्थिति में नहीं होता है और वृषभ की राशि है, तो ये समय जो रहेगा, थोड़ा आप अपने पारिवारिक दृष्टि से जुड़ी हुई चीजों के प्रति सजग होकर के रहिएगा। जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, चाहे वो आपके मदर हैं, चाहे परिवार का सुख सौहार्द है, वहां पर आप अपने बिहेवियर से कोई कुछ भी ऐसा मत करिएगा, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज मत करिएगा, मत बोलिएगा कि परिवार का वातावरण अशांत हो। सूर्य तेज ग्रह है और चौथे भाव में आएगा, सुख भाव में आएगा, तो अगर आप अपने स्वभाव को संयमित करके, नियंत्रित करके चलेंगे, तब तो ये सूर्य आपको कुल मिलाकर के अच्छा लाभ दे देगा। आर्थिक लाभ अवश्य होगा आपको, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, जमीन जायदाद से हो, मतलब प्रोफेशन को माध्यम बनाए, व्यवसाय को माध्यम बनाए, कुछ भी करे, लेकिन सूर्य यहाँ पर आकर के आपके लिए आर्थिक लाभ जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है, ये वृषभ राशि में हो रहा है, जो कि अर्थ त्रिकोण की राशि है, तो लाभ आपको जरूर होगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए सूर्य आपके 6वें भाव के मालिक और आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरा गोचर सूर्य का बहुत अच्छा होता है, ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। आत्मविश्वास आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वाणी, कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपके राइटिंग स्किल है, इन सारी चीजों को माध्यम बना करके सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे। भाग्य, पिता, यात्राएं, इन सभी चीजों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। आपके फादर की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं हो सकती है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, जो आपके सिबलिंग्स है, जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, छोटे भाई बहन, पड़ोसी हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन सभी के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये 6वें भाव के मालिक होकर के आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देने का भी काम करेंगे सूर्य यहाँ पर, तो उतनी आपको सावधानी बरतनी रहेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं, अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, उनसे कोई वाद विवाद, लड़ाई जैसी चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, तो ये सूर्य आपके लिए हर तरह से लाभ देने का काम करेंगे। जर्नीज के माध्यम से आपके लिए बहुत
आपकी लाइफ का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड आपको ये सूर्य दिलवा सकता है। मीन वालों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा, और ये आपके लिए जो लोग एजुकेशन वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, या किसी आप सर्विस में जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन का फील्ड, इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सूर्य बहुत लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि ये पराक्रम के घर में सूर्य आए हैं, तो बहुत ही अच्छा गोचर कहा जाएगा। इन सारी चीजों को माध्यम बना करके आपको आर्थिक लाभ देंगे। इस तरीके से जितने भी मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, सूर्य का वृषभ में जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें देने जा रहा है, उसका आप लोग फायदा लीजिए। और एक ही चीज का ध्यान रखना रहेगा आप लोगों को, अपने बिहेवियर का, अपने वाणी का, अपने बोलचाल का, क्योंकि है तो सूर्य शुक्र के ही घर में और काल पुरुष के हिसाब से आप उसको जोड़ करके देखिएगा, तो सूर्य ग्रह की एक ही रेमेडी है कि आप उसके ईगो को संभाल करके रखिए, बचा करके रखिए, बैलेंस करके चलिए, तो सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब कि सूर्य आपका बिगड़ने ना पाए, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, बहुत ज्यादा उसमें ईगो ना आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें आप समझेंगे तो सूर्य से मिलने वाले परिणाम को आप काफी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और सूर्य की कुछ रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, अगर आपके चार्ट में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कमजोर स्थिति में है तो आप सूर्य को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो सूर्य को आप जल दे सकते हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करिए, पिता जैसे जितने रिलेशन है उनका सम्मान करिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं और सूर्य के मंत्रों का आप जाप करिए। सूर्य जो आत्मा का कारक ग्रह है, हर एक व्यक्ति के प्रति एक तरह से आप सपोर्टिंग बन के रहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति है तो आत्मा ही, तो अगर आप सबके प्रति सद्भाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका सूर्य ही मजबूत होगा। और पिता से बहुत अच्छा रिलेशन बना करके रखिए, क्योंकि आपके पिता का प्रसन्न होने का सीधा अर्थ है कि आप स्वयं मजबूत हो रहे हैं। पिता को मजबूत करने का मतलब कि आप स्वयं मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, तो अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपका पद, आपका सम्मान, आपका प्रमोशन, आपकी जो समाज में एक छवि है, क्योंकि सूर्य इमेज भी है, आपकी रचनात्मकता, सूर्य बहुत बड़ा क्रिएटर है, सूर्य से तो पूरी सृष्टि चल रही है, तो सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है और वही आपकी सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। आशा करें कि इस वीडियो से आप लोग सूर्य के ट्रांजिट को समझ पा रहे होंगे, और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डालू तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।